नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का मेजरमेंट पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार और उन्हें याद रखने की ट्रिक कि किस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं, और अगर हमें कहीं ऑप्शन में मिलते हैं तो हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं यह राशि किस टाइप की है और यह राशि किस टाइप की है। हम इन सब को पहचानने के लिए आज हम एक अच्छा सा कंटेंट पढ़ने वाले हैं अपने पार्ट 3 में, जो मेजरमेंट का होगा। तो दोस्तों देखते हैं, हम पहले देखते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दोस्तों, भौतिक राशियां क्या होती हैं? किसी भी राशि को जिसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां। कहने का मतलब जिसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकें या न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकें, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। अब देखिए, संख्यात्मक मान से व्यक्त करते हैं जिन्हें हमें बोलते हैं भौतिक राशियां। जैसे बोल देते हैं 5 kg, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 तो हो गया परिमाण या इसकी वैल्यू हो गई, और केजी हो गया मात्रक। ये 4 हो गया परिमाण या इसे अपन बोलते हैं वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और ये डिग्री सेल्सियस हो गया इसका मात्रक। अब दोस्तों बात आती है मात्रक की, तो मात्रक क्या होते हैं? जिस इकाई में किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है उसे कहते हैं हम मात्रक। जिस इकाई में मापन किया जाता है उसे कहते हैं हम मात्रक। जैसे हम बोलते हैं केजी, तो केजी है जो वो एक भार का एक इकाई होता है। कहने का मतलब ये, अगर लिखा है 1 kg, 1 kg ये भार की एक न्यूनतम इकाई है, और यदि हम इसमें लिख दें 5 kg, तो ये जो 5 kg है ये इस 1 kg का 5 मल्टीपल है। यदि हम लिख दें 100 kg, तो ये इस 1 kg का 100 बार मल्टीपल है, मतलब 1 kg में इसका 100 बार गुणा किया गया है तब 100 kg आया है। ठीक इसी प्रकार ये 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसे हम लिख दें 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जिसके गुणांक में हम किन्हीं राशियों का मापन करते हैं उसे कहते हैं मात्रक। जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, तो ये हो गया मात्रक। इस मात्रक को हम परिमाण भी बोलते हैं, नहीं, इस मात्रक को हम यूनिट बोलते हैं, ठीक, और संख्यात्मक मान को हम बोलते हैं परिमाण। क्या? परिमाण, ठीक। एक चीज़ और होती है दोस्तों, जिसे हम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जिसे बोलते हैं दिशा। इसे बोलते हैं हम डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। तो किसी राशि को मापने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो ये अपन डायरेक्शन देखेंगे अच्छे से। पहले ये समझ लेते हैं संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान हर उस भौतिक राशि का मान लिखना पड़ेगा जिसे हम माप सकते हैं, और मात्रक कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका मात्रक तो नहीं होता लेकिन संख्यात्मक मान होता है, और कुछ राशियां होती हैं जिनमें दिशा दी होती है और कुछ में दिशा नहीं होती। इन सब में डिफरेंस करने के लिए अपन अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखते हैं किस में संख्यात्मक मान की आवश्यकता होगी, किस में मात्रक की, और किस में दिशा की। तो देखिए, देखते हैं संख्यात्मक मान जिनमें इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम देख लें अपवर्तनांक, और एक देख लें कोण, समतल कोण कह लें इसे, और एक होता है घन कोण। दोस्तों ये एक ऐसी राशियां होती हैं जिनका संख्यात्मक मान तो होता है, कहने का मतलब परिणाम तो होता है, लेकिन इनका मात्रक नहीं होता।
मात्रक नहीं होता, परिणाम होता है, इसका भी परिणाम होता है, अपवर्धनांक का परिणाम होगा, समतल कोण का परिणाम होगा, परिमाण, अपवर्धनांक का परिमाण, समतल कोण का परिमाण और घन कोण का परिमाण, जबकि इन तीनों की मात्रक नहीं होती। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं मात्रक वाली भौतिक राशियां। इनके अलावा मोस्टली जितनी भी राशियां हैं वे सभी मात्रक वाली राशियां हैं, जैसे हम कह लें दो चार, ताप, दाब, समय, भार आदि। इन सब में हम देखेंगे, जैसे ताप है तो ताप हम कह सकते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम दाब कह सकते हैं 20 पास्कल, समय कह सकते हैं 20 सेकेंड और भार कह सकते हैं 40 केजी, 50 केजी, कुछ भी। अब ये देखिए, ये जो 98 है ये तो इसका परिमाण है, मतलब संख्यात्मक वैल्यू है, और ये फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट क्या है, इसकी जगह हम केल्विन लिख लें कोई दिक्कत नहीं। ये तो ये केल्विन क्या है, केल्विन इसका मात्रक है। कहने का मतलब जो ये ताप मापा गया है ये केल्विन इकाई में मापा गया है, दाब है जो इसका 20 पास्कल दाब है ये दाब पास्कल इकाई में मापा गया है, तो मात्रक का मतलब इकाई। अब ये जो 98 केल्विन है ये इसका मतलब ये हुआ, ये केल्विन का 98 गुणज है, ये 20 सेकेंड है तो ये समय का 20 गुणज है, मतलब समय की इकाई का 20 से गुणा किया गया है तब 20 सेकेंड आया है। तो ये समय किसका हो गया, समय हो गया इकाई, और ये 20 हो गया इसकी संख्यात्मक वैल्यू, तो इसे हम बोलेंगे समय का मान। किसी भी राशि का मान दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला परिमाण और दूसरा मात्रक। कौन सा, परिमाण और मात्रक। जैसे हमने लिखा 98 डिग्री केल्विन, 98 हो गया परिमाण और केल्विन हो गया मात्रक। किसी भी राशि को दिखाने के लिए हमें परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। केवल ये तीन राशियां ऐसी हैं जिन्हें दिखाने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक, समतल कोण और घन कोण। अब यदि कोई पूछ ले कभी, ऐसा कौन सा मान है या ऐसा कौन सा घटक है जो भौतिक राशियों के मापन के लिए कंपलसरी है, ऐसा कौन सा घटक है जो भौतिक राशियों के मापन के लिए कंपलसरी है, तो उसे अपन कह सकते हैं क्या, परिमाण। इस परिमाण के बिना भौतिक राशियों का मापन नहीं किया जा सकता। जैसे अपवर्तनांक लिख लें, अपवर्तनांक में केवल परिमाण होता है, भौतिक राशियां नहीं, मात्रक नहीं होता। समतल कोण है, समतल कोण का मात्रक नहीं होता, घन कोण है इसका मात्रक नहीं होता, मतलब इसका हम केवल परिमाण लिखेंगे, और जो ये इकाइयां हैं इन इकाइयों के लिए हम परिमाण और मात्रक दोनों लिखेंगे। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कोई, ऐसा कौन सा घटक है जो किन्हीं भौतिक राशियों के मापन के लिए कंपलसरी है, तो बिना परिमाण के या बिना संख्यात्मक वैल्यू के भौतिक राशियों का मापन संभव नहीं है। यदि कोई बोले बिना मात्रक के भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, कुछ भौतिक राशियां हैं जिनका बिना परिमाण के मापन कर सकते हैं, बिना मात्रक के मापन कर सकते हैं, कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए परिमाण भी आवश्यक है और मात्रक भी आवश्यक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वे राशियाँ जिनके लिए दिशा भी आवश्यक है, मात्रक भी आवश्यक है और परिमाण भी आवश्यक है। परिमाण, मात्रक और दिशा, तो इनके लिए हमें केवल एक की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, परिमाण की। इनके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिमाण प्लस मात्रक की। अब हम पढ़ेंगे परिमाण और मात्रक और उसके साथ में दिशा में की आवश्यकता पड़ने वाले जितनी राशियां होती हैं उन्हें पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अगला आगे देखते हैं। चलिए,
आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो भौतिक राशि है इन्हें हम दो प्रकार से अगर बांट लें, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। तो दोस्तों जो सदिश राशियां हैं और अदिश राशियां हैं, अब हम इन्हें अच्छे से समझते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए सदिश, इसके नाम से हमें पता चल रहा है सदिश, अर्थात स का मतलब सहित और दिश का मतलब दिशा, इसे हम कह सकते हैं दिशा सहित। क्या? दिशा सहित। इसे देखिए, इसमें लिखा है आदेश। क्या? आदेश। आ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो, दिशा ना हो। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा खींच लेते हैं। देखिए सदिश सहित दिशा मतलब जिसमें दिशा सहित हो या जो दिशा के साथ व्यक्त की जाती है उसे कहते हैं हम सदिश राशियां। देखिए और अदिश, आ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, जिन्हें दिशा के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, या हम ऐसा कह सकते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती उन्हें कहते हैं अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए जो ये सदिश राशियां हैं इन्हें व्यक्त करते हैं हम तो किस प्रकार से करते हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए पहले हम राशि का मात्रक लिखेंगे और उस मात्रक के ऊपर तीर लगा देंगे या एरो का निशान लगा देंगे। कैसे? जैसे हम लिखते हैं वेग, वेग यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? वी। तो जब हम इसे वेग को व्यक्त करते हैं तो इसके ऊपर एरो लगा देते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया वेग है जो ये सदिश राशि है। जैसे लिखा है त्वरण, क्या लिखा है? त्वरण। तो त्वरण का संकेत होता है ए, और इस ए के ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया तो ये लिखा है वेग सदिश, त्वरण सदिश। जैसे हम लिखते हैं बल, बल का होता है एफ, इसके ऊपर हम एरो लगा दें तो ये हो गया बल सदिश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब हम अदिश लिखते हैं तो हम लिख लें चाल। तो देखिए चाल, चाल के लिए क्या हम लिखेंगे? स्पीड। और ये इस चाल को हम केवल एस बस लिखते हैं, और ये एस है जो इसके ऊपर हम कोई भी संकेत या निशान नहीं लगाते, इसे तो हम समझ जाते हैं ये अदिश राशि है। जिसके ऊपर एरो का निशान हो वो सदिश राशि, जिसके ऊपर एरो का निशान ना हो वो अदिश राशि। अब देखिए इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है जिसे हम पढ़ते हैं कभी कभी, इकाई सदिश। क्या पढ़ते हैं? इकाई सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब होता है ऐसी सदिश राशियां जिनकी वैल्यू एक हो, ऐसी सदिश राशियां जिनकी वैल्यू एक हो उसे कहते हैं इकाई सदिश। इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे लिखते हैं आई, इसके ऊपर लगा दिया कैप, जे, इसके ऊपर लगा दिया कैप, के, धारा, जूल, केल्विन, यदि इनके ऊपर ये हम कैप लगा दें, क्या लिख दें? धारा, जूल, केल्विन। दोस्तों धारा ये विद्युत धारा है, जूल कार का मात्रक है, और केल्विन ताप का मात्रक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप केवल इतना याद रख लो। तो इनकी वैल्यू एक होती है, जिनकी वैल्यू एक हो उन्हें हम कहते हैं इकाई सदिश, और इकाई सदिश को पहचानने के लिए इसके ऊपर कैप लगा होता है। क्या लगा होता है? कैप। जिनके ऊपर एरो लगा हो उसे तो हम कहेंगे सदिश, और जिनके ऊपर कैप लगा हो वो इकाई सदिश हैं। तो सदिश ही दोनों, बस अंतर इनमें यह है ये सदिश हैं और ये इकाई सदिश हैं। और अदिश के ऊपर किसी भी प्रकार का साइन नहीं मिलेगा हमें। तो दोस्तों ये तो हो गई अदिश और सदिश की पहचान। अब यदि कहीं लिखा है तो हम ऐसे पहचान सकते हैं,
यदि कोई बोल दे कि कौन सी राशि आदेश होगी, कौन सी राशि सदेश होगी, तो फिर उसके लिए हम अभी इसके आगे ट्रिक पढ़ेंगे। तब तक आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये आई विद्युत धारा का संकेत होता है और ये जूल कार्य का मात्रक है, इसका संकेत होता है कि। चलिए अब देखते हैं हम इन्हें याद रखने की ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, पहले हम अदिश और सदिश राशियों को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। अदिश कौन सी? अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि अदिश राशियाँ इतनी होती हैं। देखिए कैसे लिख लें ट्रिक, उसका दाल चावल MSC से आता है, देखिए क्या है, उसका दाल चावल MSC से आता है। दोस्तों ये अपनी ट्रिक है। अब देखिए कैसे, उसे होता है ऊर्जा, क्या ऊर्जा, इस सा का मतलब है समय, का मतलब है कार्य, और दाल का मतलब है चाल, नहीं दाल का मतलब है दाब, दा का मतलब ला का मतलब लंबाई, ठीक, चावल का मतलब है चाल, एम का मतलब है मास, इसे हम लिख लें क्या मास, या कह दें हम द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक, और इस सा का मतलब है क्या, सा का मतलब लिख लीजिए एक मिनट, इसी का मतलब है धारा, जिसे हम क्या कहते हैं करंट, और इसी का मतलब है शक्ति, इस शक्ति को हम सामर्थ्य भी कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं सामर्थ्य, या इसे बोलते हैं पावर, ठीक है, और से कुछ भी नहीं है, और आ से है आवेश, आवेश और आयतन, क्या आवेश और आयतन। देखिए दोस्तों अब अदिश राशियां हैं, उसका दाल चावल MSC से आता है, उसे ऊर्जा, सा से है समय, का से कार, दाल से दा से है दाब, ला से है लंबाई, चावल से है चाल, और एम से मास या द्रव्यमान बोलते हैं हम, और सा से शक्ति या सामर्थ्य, इसे हम पावर कह देते हैं इंग्लिश में पावर, और सी करंट या धारा, और आ से आवेश और आयतन, इस आ से दो चीज़ें आती हैं, हमें इन दोनों को याद रखना है। दोस्तों इतनी राशियां होती हैं जो अदिश राशियां होती हैं, कहने का मतलब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इन राशियों को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, संख्यात्मक मान और मात्रक, संख्यात्मक मान और मात्रक, या इसी को हम बोल देते हैं, इस संख्यात्मक मान को हम क्या बोल देते हैं परिमाण, और इस मात्रक को मात्रक, परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। तो जिन्हें परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए, उन्हें हम क्या बोल देते हैं अदिश राशियाँ। जिन राशियों को केवल परिमाण और मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक, और जिन राशियों को हम परिमाण मात्रक और दिशा तीनों के साथ व्यक्त करेंगे उन्हें अब हम पढ़ते हैं। तो जब तक आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों
चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम पूर्णतः अदिश राशियों को व्यक्त नहीं कर सकते जब तक उसमें हमें मात्रक न दिया हो। अब देखिए, अब हम लिखते हैं क्या सदिश राशियाँ। कौन सी सदिश राशियाँ? सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, इसके लिए ट्रिक लिख लो दोस्तों। आज बलवान, थोड़ी फनी टाइप की ट्रिक है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत से भागी, खेत से भागी। देखिए, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत से भागी। कोई एक बलवान बिरजू था, उसकी बेगम तंबू लेके खेत से फरार हो गई, मतलब भाग गई। तो देखिए, आज पढ़ते हैं हम। अब आज, इस आज से हम पढ़ेंगे क्या आवेग, बलवान से पढ़ेंगे हम बल। क्या पढ़ेंगे? बल। और इस बिरजू से हम पढ़ेंगे विस्थापन, विस्थापन। बेगम से पढ़ेंगे हम वेग, क्या वेग। तंबू से हम पढ़ेंगे त्वरण, ठीक। और खेत से हम पढ़ेंगे क्षेत्र। अब कौन सा क्षेत्र? इसमें दो प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे हमें, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस भागी से लिखेंगे, से पढ़ेंगे हम क्या भार। देखिए, और इस संग से एक छूट गया क्या अपना संवेग। आवेग, आज से आवेग, बलवान से बल, बिरजू से विस्थापन, बेगम से वेग, तंबू से त्वरण, संग से संवेग, खेत 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 का मतलब क्षेत्र, और क्षेत्र होते हैं दो, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों पढ़ेंगे हम। इसे पूरा लिखना दोस्तों ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद भार। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये सारी सदिश राशियां हैं, और इन सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? संख्यात्मक मान की, संख्यात्मक मान। इसे हम बोल देते हैं क्या परिमाण। उसके बाद लिखते हैं हम क्या मात्रक, और उसके बाद दिशा। ये देखिए, जिनमें जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें इन तीनों की आवश्यकता हो, क्या परिमाण, मात्रक और दिशा, न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट और डायरेक्शन, न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। इन तीनों को यदि हमें, इन तीनों की सहायता से या यदि हम कोई राशि व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे सदिश राशि, या सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियाँ। दोस्तों, ये तो हो गई ट्रिक। अब हम इसमें कह सकते हैं 80 से एग्जाम में पूछे जाने वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा राशियाँ इसमें, इन दोनों ट्रिक में सम्मिलित की गई हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जितनी भी राशियाँ हैं सभी सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन दोनों ट्रिकों में 80 से 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। अब इन राशियों से जो कुछ बचे हैं उन्हें हम और भी दूसरे तरीकों से पहचान सकते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं
कि इनके अलावा भी हम और किस तरीके से अदिश और सदिश राशियों में डिफरेंट कर पाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जब तक एक है अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि, ठीक है। एक अदिश और सदिश, देखिए इन्हें पहचानने में क्या चाल अदिश होती है जबकि वेग सदिश होता है, द्रव्यमान अदिश होता है जबकि भार सदिश होता है, द्रव्यमान अदिश होता है जबकि भार सदिश होता है, दूरी अदिश होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि, विस्थापन जबकि विस्थापन सदिश राशि होता है, उसके बाद क्या होता है धारा, धारा अदिश है जबकि धारा घनत्व, क्या धारा घनत्व यानी लाइट इंटेंसिटी या करंट इंटेंसिटी, ये कौन सी है सदिश राशि है। और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, क्या चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स अदिश होता है जबकि जितने भी क्षेत्र हैं कौन से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी दोस्तों अपन ने जस्ट ये पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने ये अभी अभी पढ़ा है, ये है सदिश राशियाँ। तो दोस्तों इसके बाद इन ट्रिक के बाद इन इन पांच राशियों को और अच्छे से याद रखना है हमें। चाल तो अदिश है जबकि वेग सदिश होता है, द्रव्यमान अदिश है जबकि भार सदिश होता है। देखिए चाल को हम स्पीड लिख सकते हैं, द्रव्यमान को एम और दूरी को डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लंबाई, लंबाई को हम लिख सकते हैं क्या किलोमीटर, लंबाई को हम एल लिख लें, धारा को आई। अब देखिए इसे हम क्या लिखें, इसका संकेत एस और इसका संकेत भी, लेकिन इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, भार, भार क्या होता है एम ए, एम ए इसके ऊपर भी एरो लगाएंगे, विस्थापन एस, डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर भी ये लगाएंगे, और धारा घनत्व लाइट इंटेंसिटी, ठीक है तो इंटेंसिटी इसके ऊपर भी हम एरो लगाएंगे, ठीक है धारा घनत्व भी आई। तो देखिए दोस्तों जो सदिश हैं उनके ऊपर एरो लगाते हैं, और अभी जस्ट बताया है आप इस में कन्फ्यूज नहीं होना है, आई जे के कुछ भी जिसके ऊपर ये कैप लगा हो वो इकाई सदिश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इकाई सदिश, मतलब इन इकाइयों की वैल्यू या इनका मान हमेशा एक होता है, जिनके ऊपर कैप लगा हो उनका मान हमेशा एक होता है, और जिनके ऊपर ये एरो लगा है वो सदिश है उनका मान हमने निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे और अदिश और सदिश को हम कैसे पहचान सकते हैं, अदिश और सदिश को पहचानने का और इसमें कन्फ्यूज होने का झमेला ही सारा ख़त्म कर देते हैं, देखिए कैसे। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जब तक। चलो दोस्तों अब देखिए किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अदिश और सदिश राशियों में। देखिए दोस्तों यदि हम कभी भी अदिश और अदिश का गुणा करेंगे अर्थात अदिश राशि और अदिश राशि का यदि हम गुणा करें तो क्या मिलेगा हमें अदिश राशि। यदि सदिश और सदिश राशि का गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगा अदिश राशि। यदि अदिश राशि में
सदिश राशि का भाग लगाया जाए तो भी हमें क्या मिलेगा, अदिश राशि। अदिश राशि में अदिश राशि का, अदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगाया जाए तो अदिश ही मिलेगा। यदि सदिश राशि में सदिश राशि का भाग लगाया जाए तो भी हमें अदिश राशि ही मिलेगी। देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं यदि समान राशियों का गुणा या भाग कुछ भी करें, क्या लिख सकते हैं आप, नोट लिख लीजिए, समान राशियों का गुणा या भाग करने पर, या भाग करने पर कौन सी राशि प्राप्त होगी दोस्तों, अदिश राशि। समान राशियों का गुणा या भाग किया जाए तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि। चलिए अब देखते हैं हम सदिश राशि। यदि अदिश राशि और सदिश राशि का मल्टीप्लाई किया जाए या गुणा किया जाए, अदिश और सदिश का गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सदिश। यदि सदिश और अदिश का गुणा किया जाए, सदिश और अदिश का गुणा किया जाए तो भी हमें क्या मिलेगा, सदिश। सदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगाया जाए, सदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगाया जाए तो भी सदिश राशि मिलेगी। और सदिश राशि में अदिश राशि में सदिश राशि का भाग लगाया जाए, अदिश राशि में सदिश राशि का भाग लगाया जाए तो भी हमें कौन सा मिलेगा, सदिश राशि। सदिश राशि देखिए, समान राशियों में गुणा या भाग कुछ भी करें, समान राशियों में गुणा या भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अदिश राशि। असमान, अदिश सदिश, सदिश अदिश, सदिश अदिश, अदिश सदिश, यदि असमान राशियों का हम गुणा करें या भाग करें तो हमें मिलेगी सदिश राशि हमेशा। इसे हम क्या कह सकते हैं, असमान राशियों का गुणा या भाग करने पर कौन सी राशि मिलेगी दोस्तों, सदिश राशि। असमान राशियों का गुणा या भाग करने पर हमें कौन सी राशि मिलेगी, सदिश राशि। चलिए दोस्तों, अभी हम एक चेक कर लेते हैं। जैसे हम कहें आयतन, क्या दोस्तों, आयतन, एक सेकंड दोस्तों, यहां लिखते हैं आयतन। दोस्तों आयतन लिखते हैं हम तो आयतन होती है अदिश राशि, क्या, अदिश राशि। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बल क्या है, नहीं आयतन नहीं दोस्तों, दाब लिखना यहाँ था, यहाँ क्या, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए बल क्या है, सदिश राशि है, और क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है, और इन दोनों का भाग लगाया हमने तो दाब क्या है, अदिश राशि है। सदिश और सदिश का भाग लगाया तो हमें अदिश राशि मिली, क्योंकि दाब अदिश राशि होती है और बल और क्षेत्रफल ये दोनों सदिश राशि होते हैं। इन सदिश राशियों का भाग लगाया तो अदिश राशि मिला। ठीक इसी प्रकार किसी भी समान राशियों का हम गुणा करें या भाग करें तो हमें अदिश राशि मिलेगी,
और असमान राशियों का गुणा या भाग करें तो सदिश राशि मिलेगी। ठीक दोस्तों, आप जब तक स्क्रीनशॉट, चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे 10 की घातें या 10 की पावर्स, और फिर उसके के बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। ये आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।